भारतीय जनता पार्टी हाईकमान दिल्ली में आज जम्मू कश्मीर को लेकर मंथन करने जा रही है। भाजपा हाईकमान ने जम्मू कश्मीर प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेताओं को दिल्ली तलब किया है और आज शाम 8 बजे भाजपा मुख्यालय में एक अहम बैठक होने जा रही है। बताया जा रहा है कि बैठक में गृह मंत्री अमित शाह सहित कई अन्य केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो हाईकमान दिल्ली में आज मीटिंग है जिसको लेकर बड़े नेता जो है दिल्ली पहुंचे हैं। चलिए इसी में अधिक जानकारी लेंगे। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इश्फाक गौहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौहर, बताइएगा कि क्या कुछ बैठक को लेकर फिलहाल बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि पॉलिसी प्लानिंग को लेकर भी बातें सामने आई हैं, चुनावों को लेकर और संगठन को लेकर एक बातें जो निकलकर बैठक में सामने आएंगी उसको लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, बिल्कुल अभी जो हमारे सूत्र भारतीय जनता पार्टी के अंदर है उनका ये मानना है कि आज शाम को लगभग 8 बजे भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पर एक अहम तरीन बैठक होने जा रही है और इस बैठक के अंदर जहां गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे वहीं पर जम्मू कश्मीर के लिए असेंबलियों के लिए इंचार्ज जो बनाए गए बीजेपी की तरफ से कृष्ण जी रेड्डी साहब, उन्हें वहाँ पर बुलाया गया है, वो भी रहेंगे। उसके अलावा बीएल संतोष रहेंगे, बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी डासा वहाँ पर रहेंगे और साथ साथ जो फ्रंटलाइन ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ और आदमी हैं, कुछ और हेड्स हैं, उन्हें भी बुलाया गया। जम्मू कश्मीर से प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना है, ऑर्गेनाइजेशन के जो सेक्रेटरी जनरल अशोक कौल है और तकरीबन 5-8 जो जनरल सेक्रेटरीज हैं उन्हें बुलाया गया है। और मंथन जो होगा आज शाम को वो 2-3 चीज़ों पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ये कि पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि पार्टी प्रेसिडेंट का टेन्योर ख़त्म हो रहा है और नए पार्टी प्रेसिडेंट को चुनने का वक्त गया है और इस सिलसिले में किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और तहसील तक भी इलेक्शंस कंप्लीट हुए और अब पार्टी का वह ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो है उसको बनाना, इस पर भी चर्चा होगी। क्योंकि ऑलरेडी लास्ट टाइम एक्सटेंशन जब जेपी नड्डा साहब का आया था उसी वक्त राणा साहब का भी एक्सटेंशन, राणा साहब का एक्सटेंशन हुआ था। तो कुल मिलाकर एक तो ये मुद्दा है जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट के हवाले से रहेगा। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा के चुनाव है, क्या स्टेट असेंबली के चुनाव है, तो स्टेट असेंबली के चुनावों को लेकर भी आज चर्चा होनी है। जिस तरीके से बीजेपी के कुछ क्वार्टर्स ने हमें कंफर्म किया कि आज वो भी एजेंडे के अंदर है और 8 बजे जब अमित शाह मीटिंग के अंदर मौजूद रहेंगे तो ज़रूर इस पर भी चर्चा जो है वो कहीं ना कहीं होनी है। और साथ साथ लोकसभा में जो रिजल्ट सामने आए हैं उन रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए आगे क्या फ्यूचर स्ट्रेटजी हमने बनानी है उसको भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। तो ये 2-3-4 मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर आज शाम की बैठक होगी और उसके बाद आपको रूपाली याद है कि फिर 5 और 6 तारीख को जम्मू के अंदर मंथन होगा, 5 तारीख को स्टेट ऑफिस बेयरर्स का एक मीटिंग है जिसमें पार्टी प्रेसिडेंट मौजूद रहेंगे और भी कुछ लोग मौजूद रहेंगे और जो काम सौंपा गया था, जिस तरीके से काम करना है अगर इलेक्शन यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर होते हैं तो उस पर चर्चा होगी। फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बर्थडे एनिवर्सरी को लेकर जो लगातार फंक्शन चल रही हैं उसके लेकर एक और फंक्शन यहाँ जम्मू के अंदर होगा जिसमें बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जो है जेपी नड्डा, जो यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ भी हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और ये एक स्ट्रेटजी बनाई जाएगी कि किस तरीके से गियरअप काडर को किया जाए ताकि वो आगे बढ़े। तो कुल मिलाकर आज से अगर आप देखेंगे परसों तक ये बैक टू बैक कई सारी चीज़ें हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स हैं जो होने जा रहे हैं। बिल्कुल गौहर, इसी के साथ अगर बात करें तो चुनावों को लेकर एक अहम मुद्दा जो है बैठक में रखा गया है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि भाजपा ने जो है विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां तेज कर ली है? देखिए, अभी तक जिस तरीके का लग रहा है वो यही है कि बीजेपी ने कमर कस ली है, पेटी बांध ली है चुनाव में उतरने के लिए, क्योंकि पहले खबर थी कि लोकसभा के जो रिजल्ट सामने आए हैं उसका मंथन हुआ, उसमें पार्टी से बूथ लेवल पर रिपोर्ट मांगे गए और आज ये खबर है कि आगे कैसे बढ़ा जाए, फ्रेमवर्क हमारा क्या कुछ हो उस पर चर्चा होनी है। तो कुल मिलाकर बीजेपी गियर अप हो गई है चुनाव के लिए, लेकिन ये सिर्फ असेंबली के चुनाव नहीं है, हमारे पास 2 और चुनाव भी है, एक तो ULB अर्बन लोकल बॉडीज़ के और पंचायतों के चुनाव, वो भी ऑन कॉर्ड्स हैं, उनके लिए भी लगातार काम जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया जा रहा है। तो पार्टी तीनों फेज चलेगी कि हम पंचायत चलें, कमीशन पर भी चलें और असेंबली के अंदर भी अगर चुनाव होते हैं तो एक साथ लेकर चलें। तो कहीं ना कहीं मोड में और मिशन मोड में बीजेपी को काम करना पड़ेगा एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर जम्मू प्रोविंस के अंदर ज़रूर उनकी पैठ है, ज़रूर उनका उन्होंने लोकसभा की दोनों सीटें जीती हैं, लेकिन कश्मीर आते आते कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, शायद उसको लेकर भी मंथन आज की शाम वाली मीटिंग में हो सकता है। चलिए गौहर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।